है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हम घर पर ही बबल कैसे बना सकते हैं। तो गाइज आज हम आपको चार ट्रिक सिखाएंगे, मतलब कि चार तरीके आपको दिखाएंगे कि हम घर पर ही कैसे बबल्स बना सकते हैं। और हम दो ट्रिक ऐसी सिखाएंगे कि आप जो बबल बनाने का लिक्विड होता है वो भी आप कैसे बना सकते हो। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बबल्स बनाने के लिक्विड के लिए हमें एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेना है, कुछ इस तरह। थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं, साथ में हमें जरूरत पड़ेगी एक डिश वॉश की, या कोई भी ले सकते हो डिश वॉश गाइस। कुछ डिश वॉश की हमें ऐसे जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं डालूंगा अंदर 3 चम्मच। थोड़ा सा और गाढ़ा लिक्विड बनाने के लिए गाइस, और साथ में मुझे ज़रूरत पड़ेगी गाइस ये ग्लिसरीन की। ये गाइस हम ग्लिसरीन इसलिए यूज़ करते हैं कि लिक्विड को थोड़ा और गाढ़ा बनाए और हमारे बबल्स जो है वो थोड़े अच्छे बने। इसमें थोड़ा सा हम ग्लिसरीन डाल देते हैं, कुछ 1 चम्मच जितना, जिस तरह गाइस। और इसको हमें अच्छे से मिला देना है, अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक। तो गाइस हमारा ये पहला लिक्विड बिल्कुल ही रेडी है। कोई बारी आती है दूसरे तरीके का गाइस, उसके लिए हमें थोड़ा सा पानी ले लेना है पहले जैसा ही। यहाँ पर हम पानी ले लेते हैं थोड़ा, साथ में गाइस आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हो, उसको हम थोड़ा सा डाल देते हैं, कुछ 3 चम्मच जितना, कुछ इस तरह। भी साथ में हम ले लेते हैं ये पीसी हुई शुगर को, आप ग्लिसरीन ले सकते हो और उसके बदले आप पीसी हुई शुगर को भी ले सकते हो, थोड़ा सा लिक्विड को और गाढ़ा बनाने के लिए गाइस। इसको भी हम डालेंगे कुछ 1 चम्मच जितना। और इसको भी हमें अच्छे से मिला देना है कुछ इस तरह। तो गाइज हमारे ये दोनों लिक्विड बिल्कुल ही रेडी है, ये आप देख सकते हो। अभी बारी आती है हमारे चार तरीके की, जो कि हम जिससे हम बबल बना सकते हैं। तो गाइज चलिए अभी वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला तरीका जिससे हम बबल्स बना सकते हैं, तो गाइज उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये कुछ प्लास्टिक की स्टिक की, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बदले आप स्ट्रॉ भी ले सकते हो। तो गाइज और साथ में मुझे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी रबर बैंड्स की। तो गाइज इसको सिंपली हमें क्या करना है, थोड़ी सी प्लास्टिक की स्टिक है वो हमें कुछ इस तरह इकट्ठा कर लेनी है, ये आप देख सकते हो। और साथ में उसके ऊपर हमें रबर बैंड चढ़ा देना है कुछ इस तरह, ऐसे लगा देना है रबर बैंड को। कुछ इस तरह गाइज। तो गाइज हमारा ये पहला तरीका रेडी हो चुका है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी हम देखते हैं दूसरे तरीके को। तो गाइज उसमें आपको चाहिए ये एक खाली बोतल, ये आप देख सकते हो। सिंपल हमें क्या करना है, एक कटर ले लेना है कुछ इस तरह, और साथ में इसको यहाँ से बीचों बीच से कट कर देना है। ये कट हो गया गाइज, और सिंपली गाइज इसको हमें यहाँ पर ढक्कन लगा देना है। तो गाइज ये रेडी हो गए हमारा ये दूसरा तरीका। जी हाँ गाइज, इससे भी हम बलून बना सकते हैं। तो गाइज मैं आपको ये आखिर में दिखाऊंगा, आखिर तक आप बने रहिएगा। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अभी साथ में अभी बारी आती है तीसरे तरीके की। तो गाइज इसमें भी आपको 2 स्ट्रॉ ही चाहिए, या फिर कोई भी प्लास्टिक की ऐसे स्टिक ले सकते हो। और साथ में हमें चाहिए ये लकड़ी की स्टिक गाइज, ये आप देख सकते हो। और उसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक धागे की, कुछ इस तरह आप देख सकते हो। अभी सिंपल हमें क्या करना है गाइज, इस धागे को इस स्ट्रो के या फिर आप प्लास्टिक की स्टिक कह लो, उसके अंदर हमें डाल देना है कुछ इस तरह। मैं आपको ये पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ। गाइज हमारा ये तीसरा तरीका भी बिल्कुल ही रेडी है, ये आप देख सकते हो। तो गाइज ये रहा हमारा तीसरा तरीका। अभी बारी आती है चौथे तरीके की। तो गाइज हमारा ये जो चौथा तरीका है, मतलब कि ट्रिक नंबर 4, उसमें आपको चाहिए कोई सा भी स्ट्रो या फिर तो ये प्लास्टिक की स्टिक, और साथ में हमें चाहिए एक कोई सा भी तार, ये आप देख सकते हो, या वायर में से भी निकाल सकते हो कुछ इस तरह। उसमें सिंपली हमें क्या करना है गाइज, इसको इसको ऐसे इकट्ठा कर लेना है
साथ में, और इसको सर्कल का शेप दे देना है कुछ इस तरह गाइस। ये अपना हम थंब रख लेते हैं और इसको अच्छे से यहाँ से आपको मोड़ देना है कुछ इस तरह। ये हो गया, और साथ में ये स्टिक लेकर यहाँ पर इसको जोड़ देना है। और यहाँ से इसको ऐसे मोड़ देना है ताकि यहाँ से हम जब हवा डालें तब डायरेक्ट इसके सर्कल के अंदर पड़े और हमारे बबल्स बनने शुरू हो जाए कुछ इस तरह गाइस। तो गाइस हमारे चौथा तरीका भी बिल्कुल ही रेडी है कुछ इस तरह। हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया है, ये आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस अभी इन चारों स्ट्रक्चर को साथ में मिलाकर हम बबल्स बनाने शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितना अमेजिंग है। तो चलिए गाइस देखते हैं।